पिछले वीडियो में हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे, चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या गिवन है, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर कैपिटल ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पीयर एंड 5 एम्पीयर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। टू स्ट्रेट वायर है कैपिटल ए एंड ए में 8 एम्पियर, बी में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इक्वल 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब क्वेश्चन क्या किया है, वायर ए द्वारा वायर के बी के एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में फोर्स कितना अप्लाई होगा। L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। अगर वायर ए का 10 सेंटीमीटर लेंथ ले लिया जाए तो उस पर वायर बी द्वारा कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो हम जानते हैं दो करंट कैरिंग वायर और एक दूसरे के पैरेलल क्या हो, सिचुएटेड हो, तो उनके बीच फोर्स कितना लगता है, 1/2 πI1 I2/R × L। L लेंथ पर F इक्वल टू कितना होता है, 1/μ0/2πI1 I2/R × L। 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम लोग μ0/4π की वैल्यू डिटरमाइन होती है, 2I1 I2/R × L μ0/4π 10⁻⁷। 2I1 की वैल्यू कितना है 8, I2 की वैल्यू क्या है 5, R की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻², इंटू L की वैल्यू क्या है 10 × 10⁻², 10⁵ हो जाएगा, 10⁷ + 2, 2 × 4, 4×5 = 20, इंटू 10⁻¹, ये टोटल हो जाएगा 2 × 10⁵ मीटर। कौन सा फोर्स होगा, अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कौन सा attractive. अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता, एक में अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कौन सा फोर्स लगता, रिपल्सिव। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है ए क्लोजली वाउंडेड सोलेनाइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न एच। कोई सोलेनाइड है जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर और इस पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 400 है एक लेयर में, और ऐसे ऐसे कितने लेयर्स बनाए गए, 5 लेयर्स। कैसे 5 लेयर्स हैं, ये जो सोलेनाइड है इसकी जो लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर है और पहला जो लेयर है फर्स्ट लेयर इसमें 400 टर्न्स है, कितने हैं। अब ये जो पहला लेयर खत्म हो इसके बाद कौन सा लेयर बनाया गया, दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे करते करते कितने कितने लेयर्स बनाए गए, 5। इसकी लेंथ कितना गिवन है, L equals to 80 सेंटीमीटर टोटल लेंथ, L equal to 0.8 मीटर और 80 सेंटीमीटर। एक लेयर में इसमें 400 टर्न्स है तो 5 लेयर में कितने टर्न्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N equal to 5 × 400, 2000 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। यहां से हम लोग कैलकुलेट करने थे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई कैपिटल एल, और एन इक्वल टू कैपिटल एन, कैपिटल एन की वैल्यू क्या है 2000/N।
नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ फाइंड हो गया। क्वेश्चन क्या किया है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनाइड नियर इट्स सेंटर। कह रहा है कि ये बताओ इसमें इसके सेंटर के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं सोलेनाइड में म्यू नॉट एन इनटू आई, इसके एक्सिस पे सेंटर के नियर बी इक्वल टू इसको म्यू नॉट की वैल्यू क्या आती है 4 पाई इनटू 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है 0.8। आई की वैल्यू कितना गिवन है 8 एम्पियर। आई की वैल्यू कितना गिवन है 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसमें 4 पाई इनटू 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 30 10 टू पावर 3 होगा माइनस 7 माइनस 4 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 1। कैलकुलेट करेंगे तो क्या 4 टू द 8 पाई इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। बी की वैल्यू हो जाएगी 8 पाई इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या गिवन है, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न एंड कैरी ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। कोई कॉइल है जो स्क्वायर फॉर्म में है, इसके एक साइड का लेंथ गिवन है ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है कितना 20, कैरी जे करंट ऑफ करंट कितना इक्वल्स टू 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला। कह रहे हैं कि इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड कर दिया गया है और इस प्रकार सस्पेंडेड किया गया है कि इसके प्लेन का जो एरियल वेक्टर होगा, एरियल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब जो बी होगा इसका जो एरियल वेक्टर होगा ए, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। यहाँ पे ए क्या होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन और बी इससे 30 डिग्री पर होगा, ऐसा बी और ए के बीच का एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। और बी का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, बी इक्वल्स टू गिवन है 0.8 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। कह रहे कि स्क्वायर पे टॉर्क कितना लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम जानते हैं टाउ इक्वल क्या होता है mb sin theta, और किसी कॉइल के लिए हम क्या होता है nia b sin theta। n की वैल्यू कितना गिवन है 20, I की वैल्यू कितना गिवन है 12, A की वैल्यू क्या हो जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर, B की वैल्यू 0.8 साइन 30 डिग्री, तो ये 240, ये कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर 0.8 इंटू 1 बाई 2 0.4 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 4 द 16 4 टू द 8 एंड 96 हो जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सॉल्व करें कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.96। अगेन मैं देखता हूं टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम इक्वल टू क्या होता है एन आई ए बी साइन थीटा, एन की वैल्यू कितना गिवन है 20,
आई की वैल्यू कितना गिवेन है, 12 एम्पियर, ए की वैल्यू साइड स्क्वायर, साइड कितना गिवेन है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना गिवेन है 0.8 थीटा की वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके हम लोग टाउ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इतना न्यूटन मीटर जो भी कैलकुलेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया था इसमें साइड लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर नहीं है, 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, जो हम लोग वहां कैलकुलेशन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर ये 4.9 में, वहां पे टाउ इक्वल लिखेंगे एन बी ए एम बी साइन थीटा, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, एन की वैल्यू तो 20 है, I की वैल्यू 12 है, लेकिन जो a स्क्वायर हम लोग लिए थे वह 12 स्क्वायर ना होकर के 240, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होगा, क्योंकि जो साइड स्क्वायर का दिया 10 सेंटीमीटर गिवन है, 12 सेंटीमीटर 0.8 इंटू साइन 30 डिग्री 240 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर साइन 30 डिग्री 1/2 0.4 का इसमें 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 0.96 आ रहेगा, 100 से डिवाइड कर न्यूटन। अगेन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, दो मूविंग कॉइल गोल्डन मीटर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, पहले के लिए M1 के लिए क्या दिया है, M1 के लिए रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 30, एरिया गिवन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0.25 टेस्ला, और दूसरे M2 के लिए गिवन है R1 R2 इक्वल्स टू 14 ओम, N2 इक्वल्स टू 42, A2 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ये पोर्शन दो मूविंग कॉइल गैनोमीटर है M1 और M2 और दोनों के बारे में कुछ पार्टिकुलर्स गिवन है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, क्या फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं मूविंग कॉइल गैनोमीटर में K×Φ इक्वल टू NIAB, मूविंग कॉइल गैनोमीटर के लिए होता है जो इसके नीडल में डिफ्लेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है वह K×Φ, या Φ क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो। तो यहां से जब हम लोग फाइंड करते हैं करंट सेंसिटिविटी, क्या फाइंड करते हैं, करंट सेंसिटिविटी, तो ये कितना हो जाएगा I/Φ/I, फाई और आई के रेशियो को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, क्या बोलते हैं, तो फाई बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा NAB/K, रेशियो फाइंड कर लेते हैं इन दोनों का, तो इसको कोई यस से डिनोट कर देते हैं करंट सेंसिटिविटी को, CS से, इसे CS करंट सेंसिटिविटी, तो सी एस किसके लिए, फर्स्ट के लिए अपान सी एस किसके लिए, सेकंड के लिए,
तो फर्स्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए यहां से अगर सीएस जो फाई अपॉन आई है करंट सेंसिटिविटी, इसको हम सीएस से रिप्रेजेंट किए हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड। लेकिन हमें जो रेशियो पूछा है वो पूछा है एम टू एंड एम वन, तो ये सेकंड अपॉन क्या होगा फर्स्ट, सेकंड के लिए लिखेंगे तो एन टू ए टू बी टू अपॉन के, फर्स्ट के लिए एन वन ए वन बी वन अपॉन के, के और के कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एन टू ए टू बी टू एन वन ए वन बी वन। वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एन टू की वैल्यू कितना गिवेन है 42, ए टू की वैल्यू कितना गिवेन है 1.8 इंटू 10 to the power -3, बी टू की वैल्यू क्या है 0.50 अपॉन ए वन की, एन वन की वैल्यू कितना गिवेन है 30, ए वन की वैल्यू कितना है 3.6 इंटू 10 to the power -3 इंटू बी वन की वैल्यू क्या है 0.25। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये रेशियो कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये टू टाइप से कैंसिल हो जाएगा, ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दे 3 1 3 ये पॉइंट हो जाएगा 3/4। तो दोनों के लिए जो रेशियो होगा करंट सेंसिटिविटी का वो कितना आएगा 1.4, कितना आएगा 1.4। अब हम लोग फाइंड करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी बी पोर्शन में, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है फाई अपान बी, करंट सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए हम लोग फाई अपान आई करेंगे और वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए फाई अपान बी करेंगे। तो अगर हम फाइ अपॉन वी को सब्स्टिट्यूट करके रेशियो फाइंड करें तो वी से अगर इधर डिवाइड करो एन आई ए बी अपॉन के, वी से भी डिवाइड करेंगे, अगर इधर वी से डिवीजन किया तो इधर भी करना पड़ेगा, फाइ अपॉन वी इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के इंटू वी अपॉन आई, आई के यहां पे कर सकते हैं वी ऊपर चला जाएगा, तो वी अपॉन आई को क्या बोलते हैं R, K into R, करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिख देते हैं V S या S T, रेशियो फाइंड कर लेते हैं कोई भी क्वांटिटी यहां पे नोटेशन दे सकते हैं। तो हम लोग N B A अपॉन K into R सेकेंड के लिए एंड फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे S B सेकेंड अपॉन एस बी फर्स्ट इक्वल्स टू एन टू ए टू बी टू अपान के इंटू आर टू, सेकेंड के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे एन वन ए वन बी वन अपान के इंटू आर टू, कॉन्स्टेंट तो सेम ही रहेगा। एन टू की वैल्यू कितना गिवेन है, एन टू की वैल्यू गिवेन है N2, A2, B2, R1, N1, A1, B1, R2, सारी वैल्यू गिवन है। N2 की वैल्यू क्या है 42, A2 की वैल्यू क्या है 1.8 इंटू 10 to the power -3, B2 की वैल्यू क्या गिवन है 0.50, R1 की वैल्यू क्या गिवन है 10 अपॉन, N1 की वैल्यू क्या गिवन है 30, A1 की वैल्यू क्या गिवेन है 3.6 इंटू 10 to the power -3, B1 की वैल्यू क्या गिवेन है 0.25, R2 की वैल्यू क्या गिवेन है 14, सॉल्व करेंगे तो 36। सबसे पहले इसको देखते हैं टू टाइम से कट जाएगा या और या ये कैंसिल हो जाएगा और ये थ्री टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे तो बना जाएगा